ऑलराइट, सो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, शुक्रिया। इसके बाद ये चैप्टर 2 आ रहा है, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। लाइक लॉकडाउन में हमने जब देखा ये फिल्म आई थी OTT पर, उस टाइम पर लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। नाउ आज हम चैप्टर 2 पर पहुंच गया, ट्रेलर आ गया, 3 गाने आ गए, ट्रेलर को बहुत ही अप्रिशिएशन मिल रहा है। सॉरी भाई, मैं ट्रेलर लॉन्च में नहीं पहुँच पाया, आई एम सो सॉरी, वरना आप जहाँ वहाँ तो मैं रहता ही। एंड गाने भी हैं, लोग बहुत पसंद करें, तो आप लोग बताइए कैसा कैसे देखते हैं आप लोग अब इस फिल्म को, कि लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया फिल्म 1 से। नहीं, खुशकिस्मत हैं हम लोग, और जिस तरह से तो OTT में जब हमारी फिल्म रिलीज़ हुई थी उस दौरान कोई कर नहीं रहा था OTT में फिल्में रिलीज़, हम पहली फिल्मों में थे और लकली हम लोगों को बहुत तारीफ़ मिली। और अब हमारी जिम्मेदारी थी कि अब हम थिएटर में आने वाले हैं, तो लोगों को लगता था कि और क्या करेंगे, ये लोग कमाल करना चाहिए, दे लव्ड इट। बट उनको वो पूछते थे कि अब क्या होगा सर, कैसा होगा एक्शन। सो अब समय आ गया, थिएटर में आइए और देखिए, जो आप चाहते थे हमने उससे थोड़ा ज़्यादा कोशिश की है। आगे बढ़ने वाली है और इंटेंसिटी के साथ, और इमोशन और ड्रामा और एक्शन, और भी ज़्यादा रियल है। सोशल इशू को काफ़ी हम टच कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, अडॉप्शन, नरगिस और समीर का रिलेशनशिप कैसा है। हम वही डिस्कस कर रहे थे कि खुदाफिस 1 का जैसे एंड होता है वो लगता है कि हैप्पी एंडिंग है, लेकिन एक्चुअली कपिल के ऊपर क्या बीतती है वो सिर्फ एक कपिल को ही पता होता है। तो ये कहानी एक्चुअली उसकी है कि वापस आते हैं, आपको सच्चाई दिखाते हैं कि दिस इज़ द रियलिटी, मेंटल ट्रॉमा। हाँ जी, तो सोसाइटी ब्लेम करती है, पिटी दिखाती है, विक्टिमाइज करती है, तो हाउ दे कम आउट एज वॉरियर्स इज द स्टोरी अबाउट। मैं कहर मचाने वाला हूँ। अच्छा, मुझे मेरी बेटी चाहिए वापस, बस, चाहे मुझे जान लेनी पड़े चाहे जान देनी पड़े। बट हर माँ बाप का यही होता है, मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ और कहते हैं कि जो माँ बाप का प्यार होता है उससे ऊपर होता नहीं है। अगर आपके बच्चे को थोड़ी चोट भी लग जाए ना, तो आपका मतलब दिल टूट जाता है। ये सुना था, खुद के हमारे बच्चे नहीं हैं, बट फिल्म करते वक्त समझ आ गई कि वो कहाँ से आता है गुस्सा। बच्चे के लिए आप सच में अपनी जान दे तो सकते ही हैं, ले भी सकते हैं, और ये हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया। एंड ये दर्शक देखेंगे कि व्हाट इज़ रियली लव, लाइक व्हाट इज़ द लव फॉर द किड्स। एट ऑफ जुलाई, तो आई थिंक जब लोग थिएटर जाएंगे तब बताएंगे कि हम पास हुए कि नहीं हुए अग्नि परीक्षा में। हमने एक्चुअली हम अपने कंफर्ट जोन के बहुत बाहर गए हैं। खुदाफिज़ 2 में लोग बोलते हैं ना कि सीक्वल सेम लेवल का हो या ऊपर का हो तो चलता है। मुझे लगता है हम काफ़ी आगे निकल गए इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। सेम इंटेंसिटी का तो काम नहीं करते हम दोनों, आई डोंट थिंक वी वुड हैव डन समथिंग सिमिलर और लेसर टू खुदाफिज़ 1। तो कोशिश पूरी की है, मेंटली इमोशनली बहुत एग्जॉस्टिंग रहा है ये प्रोसेस, लेकिन आई होप पीपल लाइक समीर एंड नरगिस ऑन स्क्रीन अगेन। हमें तो मैसेजेस एवरी डे, जब से खुदाफिज़ 1 रिलीज़ हुई है तब से तो रोज़ ही आया है, वी वॉन्ट टू सी समीर एंड नरगिस बैक ऑन स्क्रीन, and finally we are in theaters after 2 years. Yes. And bhai, khuda aapki jo release hui thi chapter 1 ki, hamare paas koi option nahi tha theater mein, the OTT mein aayi thi, and logon ne itna pyar diya is film ko, and film bahut hi behtareen bani thi, and now ab hum aise phase mein, theater chalu hai, film lag rahi hai, film box office par dhamal kar rahe hain, chahe aap dekh rahe hain, ab to aisa time ho gaya south se lekar काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि पिछली बार OTT में आई थी और बहुत खुशी हुई थी कि अरे OTT में आए और लोगों को पसंद आया है। ये तो वो था ना, घर बैठ के आप डिसाइड कर सकते हैं। अब ये दूसरा पहलू है जहाँ पे लोग थिएटर जाएंगे, बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमेशा से सुन रहे थे कि ऐसी फिल्म थिएटर में आनी चाहिए, थिएटर में आनी चाहिए। सो अब आ रही है, देखते हैं क्या होता है।
मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले से बेटर करने की. लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आगे इस कहानी कहाँ जाती है. तो मुझे लगता है बेटर करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था. नरगिस एंड समीर दोनों काफ़ी अलग तरीके के इंसान हैं इन द फिल्म. एंड हमने कैसे डिफरेंट किया था फ्रॉम द चैप्टर वन इज़ व्हाट यू विल सी इन चैप्टर टू. तो जितनी मेहनत की है, लेट्स सी, होपफुली. एंड शिवालिका जी, विद्युत जी जो है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब सबसे फिटेस्ट एक्टर माने जाते हैं, सभी जानते हैं, आप और कितना उनके बारे में जानती हैं कि ये कैसे कैसे इंसान है, क्या क्या जानती हैं आप इनके बारे में फिल्म के दौरान, क्या क्या जानती हूँ सब बता देना. एक्शन हीरो है, एक्शन हीरो है लेकिन उतने ही फनी है. ये तो है, इसको पता है, उतने ही फनी है. बहुत रियल है, बहुत हम्बल है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज़ वेरी काइंड, ही ट्रीट्स एवरीबडी विद रिस्पेक्ट, जो बहुत बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू बी लाइक दैट. जो सारी ऑडियंसेस एक्चुअली लुक अप टू यू, इनकी जो फैन फॉलोइंग है ऐसी थोड़ी है. तुम अभी तक नहीं बैठे ना, तुम फैन नहीं हो ना असली वाले. उससे होगा क्या, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एब्स ऊब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे लगते हैं. अगर आप असली तगड़े मर्द हैं या इंसान हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी तगड़ी होनी चाहिए. रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होगी तो पूरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी. ऐप तो खाने खूने से गायब हो जाते हैं. सो आई थिंक काम करिए अपनी रीढ़ की हड्डी पर. स्पाइनलेस मैन कहावत है, इसका मतलब भी यही हुआ कि तुम्हारी स्पाइन कमज़ोर है. नहीं, जब आप फिल्म ख़त्म कर देते हैं तो आपको लगता है हमने अपना काम कर दिया. बट गाने हम दोनों बात कर रहे थे कि बहुत खुश हैं कि तीन सूफी गाने हैं और एक से एक उम्दा है, एक हक हुसैन भी है, चार गाने हैं. सो खुशी तो होती है जब आपकी फिल्म के सारे गाने लोगों को पसंद आते हैं. अभी देखते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है. जान मंगल के बाद एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई थी. मुझे लगता है कि हमने हमारे सारे गाने एक्चुअली उस लेवल के हैं. सो लोगों को पसंद आ रहा है एंड आई फील इट्स वेरी रियल. द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमने वो गानों के बगैर शूट किया है, तो वो गाने रेडी नहीं थे. हमने एक्चुअली शूट किया है विदाउट द सॉन्ग्स. एंड नाउ अब विद्युत जी, देखिए आपके बारे में कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताया. आप बताइए भाई कि शूटिंग के दौरान क्या कुछ क्वालिटी अच्छी लगी आपको शिवाली का जी? नहीं, बहुत क्वालिटीज अच्छी हैं. नंबर वन, इनको पता ही ब्यूटीफुल है वो तो दिख ही रहा है ना, वो तो दिख रही है. उसके अलावा क्या बताऊँ यार. हार्ड वर्किंग तो होना इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी पार्ट है, बहुत ज़रूरी है. हार्ड वर्किंग भी हैं. आई लाइक द वे शी इज़ ऑन द सेट, क्योंकि ये पहले एडी रह चुकी हैं, इन्होंने काम किया है, सीखा है. सो इनको पता है कि हर इंसान की क्या जिम्मेदारी है सेट पे. जिस तरह से लोगों से मिलती हैं, आपको पता लग जाता है कि इनको तमीज़ है दूसरे से कैसे बात करने की और कैसे उनसे बात करवाने की. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है एक एक्टर का. आई थिंक इनको ये सब पता है. अपार्ट फ्रॉम अ ग्रेट परफॉर्मर, द वे शी लुक्स, देयर इज ब्रिलियंस ऑफ वॉन्टिंग टू लर्न मोर. अगर आप में चाह है ना और सीखने की, तो आप वैसे ही सक्सेसफुल हैं. वो इनमें है. बहुत अच्छा. तुम होते तो तुम्हें दुख लगता, ऑब्वियसली इनको खुशी होगी. ये सवाल का मतलब क्या है? आपको कैसा लग रहा है? मुझे खराब लग रहा है क्या? कैसा लग रहा है आपको? आप ट्रॉफी जीत गई हैं. तो नहीं यार, हमारी फिल्म जरूर जीतेगी इंशाल्लाह. सो मैंने गाना देखा हक हुसैन, जो बहुत ही मतलब ऐसे एक्शन आपने दिखाया ट्रेलर में भी. जो बताइए कि अब जो एक्शन का जो लेवल आप जब से हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप आए हैं, एक्शन लेवल को आप एक अलग ही अंदाज में लेके गए, तो इसमें आप कितना और लेवल को हाई करने वाले हैं विद्युत जी?
जब हम खुदा हाफिज़ का सेकंड पार्ट शूट कर रहे थे तो मुझसे पूछा गया कि अभी विद्युत क्या करना क्या है, कमाल तो किया था वन में भी, अब करना क्या है। सो आपने हक हुसैन देखा है, हम कसाईवाड़ा में शूट किया हम लोगों ने, कसाईवाड़ा होता है जहाँ पे लखनऊ में, और जहाँ शूट किया वहाँ पे शूट करना पहले मुश्किल है क्योंकि इतना आसान है नहीं वहाँ पे शूट करना। आप देखेंगे गाने में कि वो चेयर फेंक रहे हैं, बॉटलें फेंक रहे हैं। अगर आपने ज़िंदगी में सच में कभी लड़ाई की है, सच में, सिर्फ फिल्में देख के नहीं, सच में, आप समझ जाएंगे लड़ाई ऐसी होती है, कोई हाथ में प्लेट आई प्लेट मार दिया, चेयर आई चेयर मार दिया, बॉटल फेंक दी। सो आप जो देख रहे हैं वो हकीकत है। लेवल ये है कि एक भी चीज़ नकली नहीं है। अगर चाकू निकाल के पेट में डाला है तो ऐसा होता है कसाईवाड़ा में, अगर लड़ाई हो जाए तो। सो ये सब सब असल का है। प्लीज़ जाइए थिएटर में देखिए 8 जुलाई इन अ थिएटर नियर यू, या तो 1 घंटा दूर भी जा सकते हैं देखने के लिए, बट डेफिनेटली यू शुड बी वॉचिंग द फिल्म एंड हर इंसान को देखनी चाहिए। वी आर स्पीकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ सोशल इशूज़, यू सी समीर एंड नरगिस इन अ वेरी डिफरेंट वे, इट्स वे मोर इंटेंस एंड आई प्रोमिस यू बेटर देन द फर्स्ट पार्ट। हाँ यही है, खुदा हाफिज़। बन जिनको पसंद आई है, जो जिनको लगता है कि हम बहुत उम्दा काम कर पाएंगे, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम निराश नहीं करेंगे। गाने से लेके एक्शन से लेके इमोशन सब है यहाँ। टोटल 8 थ्री है आई थिंक आपके हाथों में। हाँ, नहीं ये वहम के चक्कर में नहीं है भाई, ऐसा है नहीं, स्टाइल भी कोई चीज़ होती कि नहीं। नहीं वो अच्छी ऑब्जर्वेशन है मगर दैट्स अ गुड वन, हाँ वेल डन वेल डन। बट ये उसके लिए नहीं है, बस थोड़ा मज़े आ रहे हैं। कई बार ना आपको लगता है कि हाथों में कुछ बांध लो, उतरता है तो लगता है, तो ये बांध आप संयम में रखने के लिए। थैंक यू भाई, वेल डन वेल डन, थैंक यू।